आई साक्षी से ये पूछो कि इसकी खुशी का आज क्या राज है। मेरी खुशी का राज ऐसे खुशी है रिश्ते ने मतलब दिया रिये कोई दिल नू पूछदा नहीं दौलत ही प्यारी है राम आएंगी तो अंगना सजाऊंगी। हस्बैंड जब भी रूठ जाते ना मेरे से तो मैं उसको यही So guys, इधर देखो मुझे क्यूट सा सब्सक्राइबर मिल चुका है। आप रोज व्लॉग देखते हो? हाँ जी। आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? आप ही लगते हो। अच्छा सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ एके द ब्रांड। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं दोबारा आई हूँ कॉलेज और कॉलेज में आके मुझे पता चला है कि यहाँ पे आज हमारा एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है कॉलेज वालों ने। मतलब एक्टिविटी बेस्ड एक फंक्शन होगा जिसमें कि हम सब बच्चे ही मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे और अपने अपने हिडन टैलेंट्स को यहाँ पे शो करेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट होगा। तो आप सब भी बने रहिए एंड तक मेरे व्लॉग में और अभी आगे दिखाते हैं क्या क्या हिडन टैलेंट है हमारी क्लास के बच्चों में। वो हम मैं भी आज ही देखूंगी कि क्या क्या हिडन टैलेंट है तो करूंगी कि अच्छा से अच्छा व्लॉग आप लोगों के लिए बना पाऊँ। सो गाइज देखो अब प्रिपरेशन शुरू हो गए हैं। यहाँ पे सारी चेयर्स वगैरह अरेंज हो रही हैं बिकॉज यहाँ पे जो है हमारी एक्टिविटी है। सो गाइज देखो आज मैक्सिमम स्ट्रेंथ बच्चे आए हैं क्योंकि मैम ने मैसेज किया था कि मैंडेटरी आना। सो गाइज अभी मतलब प्रिपरेशन चल रही है तो मेरे को अभी थोड़ा सा टाइम है जिसमें मैं मतलब लंच कर लेती हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको मेरे लंच बॉक्स में क्या है आज। सो हेयर इज़ माई लंच बॉक्स। तो खोलते हैं फटाफट से और देखते हैं कि आज मम्मा ने क्या बनाया है। ओके आज मम्मा ने मेरे लिए मटर मशरूम ही बनाया है। मैंने देख लिया है और उनको पता है मैं मटर मशरूम बहुत खुश होकर खाती हूँ। और सच्ची में मैं कॉलेज पहुँच के ना अगर मटर मशरूम बने हो ना तो फटाफट से टिफ़िन खोलती हूँ कि आज मटर मशरूम है। तो गाइज आप लोग भी मेरे साथ लंच कर लो। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं सारे एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे हो गई एक्टिविटी। किस स्टेट में है और उनका जो माइंड सेटअप है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है तो वो इवैल्यूएशन जो है वो टीचिंग फैकल्टी अपने हिसाब से उन चीजों को असेस करती है। सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर करिकुलम एंड इट कैरीज मार्क्स। तो विदाउट मार्क्स यहाँ पे कुछ नहीं। सेकंड मैम एंड ऑल टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स सिटिंग हियर फर्स्टली वेलकम इन दिस एक्टिविटी। माय सेल्फ साक्षी शर्मा एंड ऑफ कोर्स आई एम आल्सो बीएड स्टूडेंट विद यू। स्ट्रेंथ एंड वैल्यू बेसिकली बीएड में आने से पहले जैसे आप सबको मैक्सिमम पता है कि मैं एमएससी करके आई हूँ। ठीक है एमएससी मैंने जूलॉजी में की है। उससे पहले मैं एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हूँ जिसमें मैं अल्फा ग्रेडिंग से ग्रेडेड हूँ। उससे उसके बाद जो है मैंने माउंटेनियरिंग की है जो कि मैंने उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में की है और मैं बेस्ट क्लाइंबर रह चुकी हूँ दोनों इंस्टीट्यूट में। और आदरणीय महोदय जी एवं मेरे प्रिय सहपाठियों आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है। मेरा नाम है दीक्षा शर्मा और मैं जम्मू की धर्मपुर गांव की रहने वाली हूँ। एंड आई कम फ्रॉम जोड़िया एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम GCW परेड एंड रिसेंटली आई कम्प्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम DAV यूनिवर्सिटी जलंधर। एंड अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताऊँ मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मतलब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चला मतलब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिले एंड उसके बाद आगे अब मेरी मैरिज हुई है तो इन लॉज भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। एंड आई मस्ट से कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना उठ के आगे मैं देख रही होती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए टेंशन में टिफ़िन प्रिपेयर कर रही होती हैं कि नहीं मुझे टिफ़िन प्रिपेयर करना उसने जाना है। एंड मेरे फादर इन लॉ रात को ही मतलब अलार्म लगा के सोते हैं कि नहीं सुबह मैंने उठना है उसने जाना है। तो वो मतलब जब मैं यहाँ आने से पहले उन्होंने मेरी बॉटल वगैरह सब फिल कर दी होती है मम्मा मेरी टिफ़िन प्रिपेयर करती हैं एंड फ्रूट वो पक्का मेरे बैग में रखते हैं। तो मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है। मतलब पेरेंट्स तो हर किसी के सपोर्टिव होते हैं एंड इन लॉज का सपोर्टिव होना बहुत बड़ी बात है। एंड मतलब उनका यही रहता है कि नहीं मतलब अगर मतलब ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि नहीं मेरी मम्मा टिफ़िन प्रिपेयर करती थी अब मैं अपने शादी के बाद जा रही हूँ तो वो टिफ़िन प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो मतलब वो भी पूरा मेरे लिए टिफ़िन वगैरह प्रिपेयर करते हैं और जब मैं कॉलेज आती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पे टिफ़िन खाने आती हूँ। उनका यही है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि नहीं हमारी भूख पड़ेगी कुछ करेगी है ना।
तो मतलब वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है. एंड मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए. एंड वो हमेशा से यही बोलते हैं कि कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस तुम पढ़ो. एंड मेरा भी शुरू से यही है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, है ना. मतलब आप सबका भी यही होगा कि मतलब एक ही ह्यूमन लाइफ मिलती है हमें, उसमें भी अगर हम कुछ ना कर पाए, अपने आप को प्रूफ ना कर पाए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिल में खलती है. अब मेरे को ये है कि मेरे में मतलब थोड़े थोड़े हिडन टैलेंट्स बहुत सारे हैं. मतलब हर एक इंसान में कोई ना कोई हिडन टैलेंट होगा. मुझ में मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट है, बट कूट के भगवान ने एक भी टैलेंट नहीं मिला. तो मैं सोचती हूँ थोड़े थोड़े सब है, बट एक होता बट अच्छे से होता. बट चलो ठीक है, लाइफ स्मूथ चल रही है, होप सो ऐसे ही चले और आगे मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ लाइफ में. और थैंक यू सो मच एवरीवन. सुख है उसको भी इक्वली देखें, सुख है तो इक्वली देखें. कोई भी अप डाउन नहीं होना चाहिए. मीन्स अगर खुश है तो ज़्यादा खुशी में ऐसे जूझना, मेरे अंदर वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है. जैसे हम कहीं जा रहे हैं, एक जर्नी है, बस में बैठे हैं, खड़े हैं, कई बार सीट मिल जाती है, कई बार हम खड़े होकर जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें दुखी कभी नहीं होना है. हमारे लिए सेम जो है ट्रैक, हमारी लाइफ जो है, हम हैं, हम जिस जो हम काम कर रहे हैं, अगर हम वो लॉयल्टी से कर रहे हैं, स्मूथली हमारी जिंदगी, हमारे हाथ पांव सब कुछ ठीक है, तो हमारी लाइफ जो है ठीक है. अप एंड डाउन से ये मैटर ही नहीं करते, सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ है. और मेरी जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो मेरी मियां तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी. एक्चुअली मेरी स्ट्रेंथ मेरी मम्मा पापा दोनों ही हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से मतलब दोनों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है. लेकिन उन्होंने कभी स्टार्टिंग से मुझे कभी कोई चीज़ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी. मतलब हमेशा से बिना मांगे हर चीज़ मिल जाती है. क्योंकि बच्चों को होता है कि वो डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट पापा ने मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि कभी मुझे कुछ चाहिए हो तो मांगने की जरूरत पड़ी नहीं. स्टार्टिंग से वो हर चीज़ पहले मिल जाती है. अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आईफोन के बच्चे बोलते डिमांड कर रहे हैं मुझे आईफोन चाहिए, पर मुझे कभी साथ में था नहीं कि मुझे क्रेज की मुझे आईफोन चाहिए, बट उन्होंने मुझे दे दिया. तो आई वाज लाइक कि वेरी हैप्पी कि हर एक चीज़ स्टार्टिंग से ही उन्होंने मुझे बिना मांगे दी है. एंड मेरे पापा आर्मी में हैं, लाइक डिफेंस, तो उनको देख के मुझे ये भी है कि हाँ मुझे भी उसी फील्ड में जाना है. एंड उन्होंने लाइक हमें कोई ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह कुछ नहीं है स्टार्टिंग से, लाइक काफ़ी अच्छा रहा है. उन्होंने हर एक चीज़ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड किया, बट मुझे है कि उन्होंने काफ़ी बार अपनी नीड सेक्रीफाइस करके हमें वो चीज़ें प्रोवाइड की जो उनको कभी स्टार्टिंग से नहीं मिली. सो आई वॉन्ट उनको प्राउड फील करवाना चाहती हूँ. थैंक यू. करती है सिंगिंग दीक्षा. आप क्या करते हो? कुछ भी. मुंह बनाते हो? बेली. आप? कुछ भी नहीं, मैं तो कोई परफेक्ट टैलेंट नहीं है मुझ में. खाना बनाती हूँ बहुत अच्छा, लेकिन अब यहाँ चम्मच खा के आप कुकिंग कुकिंग आपका टैलेंट है. हर चीज बना लेती हूँ. आपको यार गाइस अभी सागरिका हमें सुनाएगी पोइम. वीरों तुम्हारी वीरता पर हमें नाज है, भारत माँ के सिर का तू ताज है. हर वक्त तू डटकर रहता सीमा पर, लड़ता भारत माँ के लिए अंतिम सांसों तक. ना परवाह करता तू अपने परिवार की, रक्षा करता तू पूरे हिंदुस्तान की. तेरी बहादुरी और बलिदान पर हमें नाज है, तू ही भारत माँ की सुरक्षा का राज है. वीरता पुरस्कार पर बस तेरा ही अधिकार है, तेरी इस बहादुरी के लिए तुझे नमस्कार है. वीरों तुम्हारी वीरता पर हमें नाज है. इसलिए
में, तो हमारा प्लान भी बन रहा है थोड़ा सा अयोध्या जाने का, तो उसलिए मैं राम भगवान के लिए एक भजन गाना चाहूंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, तो अंगना सजाऊंगी मीठे मीठे मैं तो बैर खिलाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे। और उसके बाद मैं एक और गाना गाना चाहूंगी, मतलब मेरे हस्बैंड जब भी रूठ जाते हैं ना मेरे से, तो मैं उसको यही गाना गा के सुनाती गुस्सा मेरी निकी निकी कर के ना जान ले जमी। और लास्ट में एक हिंदी गाना सुना देती हूँ आपको, वो भी मान जाते हैं ना। प्रिपरेशन चल रही है टग ऑफ वॉर की, एक्साइटेड? यस,
एक टीम को हमने चील कर पूरा चेयर अप करना है कि वो जीत जाए। हम दोनों को चीयर करेंगे। ओके मेन एक दिन जीत कर गेम खत्म। तो गाइस हमें एक शेफ मिल चुके हैं और अब हम इनसे कुछ भी टेस्टी सा खाएंगे। जिस दिन भी ये बना के लाएंगे आपको पक्का दिखाएंगे। ओके वी आर मेकिंग व्लॉग फॉर देम कि ये बाद में देखें और याद करें, मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशल डिमांड होती है, सारे बोलते हैं साक्षी को ज्यादा से ज्यादा लो साक्षी। हेलो एवरीवन। और यार कमेंट्स में ना प्लीज अपने नाम भी लिखना मुझे ताकि पता चले कि कौन कौन है। गाइस साक्षी से ये पूछो कि इसकी खुशी का आज क्या राज है। मेरी खुशी का राज ऐसे खुशी है जिसे ना कल सुबह से ही ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ होने वाला है और सच में जब ये घर हुआ है कि हमारे जीजू आए हैं। गाइस साक्षी के हस्बैंड आ चुके हैं फाइनली और साक्षी बहुत खुश है। आज तो पूरी जल्दी छुट्टी हो, मैं घर जाऊँ। अभी रिफ्रेशमेंट मोनिका बहुत खुश है। पार्टी में हमने कोल्ड ड्रिंक एंड समोसा आए हैं। आई बड़ी खुश लग रही आ जाओ आप भी लेकर। हाँ सो गाइस इधर देखो मुझे क्यूट सा सब्सक्राइबर मिल चुका है। आप रोज व्लॉग देखते हो? हाँ जी। आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? आप ही लगते हो। अच्छा सो स्वीट ऑफ यू। क्या नाम है आपका? रिद्या सिंह। रिद्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ सी। ठीक है फिर हमारे वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो और कमेंट भी करना। ठीक है मेरी दीदी की ब्लॉग देखो। थैंक यू सो क्यूट हो। तू कुछ बोलना चाहती है? आज मानसी ने सबसे अच्छा गाना गाया क्लास में, अच्छा लगा सुनकर। दिल ले लिया यार तूने मेरा। चल फिर तेरे को ले चलो अपने घर। क्लास में हमको रोज एक एक गाना सुना दिया कर। ठीक है यार लगता है कहीं खो गया। नहीं यार बाय ऋतु।